हम लोगों के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है हमारे विभाग के लिए, क्योंकि हम लगातार इस समय सोच कहते आए हैं और हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों इस बात को कहते हैं कि उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से अपार संभावनाओं का प्रदेश है। इस प्रदेश में वो सब कुछ है जो कई प्रदेशों को मिलाकर भी संभव नहीं हो सकता है। इसलिए अपने प्रदेश के पर्यटन के पूर्ण क्षमता को विकसित करने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से एक नई टूरिज्म पॉलिसी पर्यटन नीति 2018 को हम आज उसके संदर्भ में आपसे बात करने आए हैं। 24 विभागों से सलाह लेने के बाद हमारे विभाग, हमारे डीजी अवस्थी जी और इनकी टीम के अथक प्रयत्न के बाद एक बहुत ही सुलझी हुई और बहुत ही प्रोग्रेसिव प्रगतिशील नीति हम सम्मुख कर रहे हैं, जिसमें कि हम पीपीपी मॉडल को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम ये मानते हैं कि सभी व्यवस्थाएं सुविधाएं केवल सरकार प्रदान नहीं कर सकती, और इस क्षेत्र में टूरिज्म के क्षेत्र में पीपल पब्लिक पार्टनरशिप बहुत आवश्यक है। इसलिए पीपीपी मॉडल पर हमने बहुत ज्यादा जोर देने का प्रयास किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार हमारे पॉलिसी पर चर्चा हम लोगों ने उनसे की, उन्होंने अपने भी इनपुट्स दिए, और अंततः गतवा अब हमारी पर्यटन नीति को या पर्यटन पॉलिसी को या पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा मिला है। और इस उद्योग के दर्जे के अंतर्गत मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले अन्य चार वर्षों में हमारे जो 5 वर्षों का कार्यकाल है, इसमें पर्यटन केवल उत्तर प्रदेश को राष्ट्र के क्षितिज पर प्रथम प्रदेश नहीं बना देगा, साथ ही साथ ये निश्चित रूप से रोजगार का एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। और नीति आयोग का ये आकलन कि अगर 10 लाख रुपए पर्यटन में लगाया जाता है तो 70 रोजगार पैदा होता है, इसको भी 90 रोजगार पैदा होता है, इसको भी हम यथार्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। इस पॉलिसी के अंतर्गत हमारा प्रयास ये है कि 10% विदेशी और 5% देशीय जो हमारे पर्यटक हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो। जैसे आज हम राष्ट्र में पर्यटन की दृष्टि से 3rd नंबर पर और विश्व में हम 2nd नंबर पर हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम 15% अपने देशीय और 10% विदेशी पर्यटकों की संख्या और बढ़ाकर प्रथम प्रदेश अपने राष्ट्र का बने पर्यटन की दृष्टि से। साथ ही साथ हमारी ये भी प्रयास है कि जो हमने इसमें अपने दिए हैं ऑफर्स दिए हैं पर्यटन नीति में प्रतिपादित किए हैं अपनी नीति, इसके माध्यम से 5000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का निवेश हम अपने प्रदेश के लिए प्राप्त करेंगे। न्यूनतम 5000 करोड़ का निवेश हम प्रतिवर्ष अपने पर्यटन के लिए कम से कम प्राप्त करेंगे। और इसी के साथ साथ हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि हम अभी जो हमारा इन्वेस्टर्स मीट चल रहा है, इसमें तो हमने 10000 करोड़ का MOU क्रॉस कर दिया है, निवेश 10000 करोड़ से ज्यादा का हम लोगों के लगभग समझौते हो गए हैं, और इसको हम लगातार आगे बढ़ाते जाएंगे, ऐसा हमारी मंशा है।